नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाई ऐप के बारे में। 1 अप्रैल का क्या अपडेट आया है इसको हम डिस्कस करने वाले हैं और इससे क्या इफेक्ट पड़ा है, माइनिंग रेशियो कितना कम हुआ है। तो चलिए दोस्तों, हम इसको आज जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, जो 1 अप्रैल की पहले जो मुझे माइनिंग रेशियो मिलता था वो 0.08 का था, जो अभी कम होकर 0.07 का बता रहा है, यानी तकरीबन 10 से 12% का इन्होंने कट ऑफ किया है। ज़्यादा इसको तो नहीं कहा जाएगा, 10-12% का इन्होंने कट ऑफ किया है। और जो ये मंथली रेट एडजस्टमेंट हो रहा है, इससे एट द एंड हमें ही फ़ायदा होने वाला है। जितना कम इसकी सप्लाई होगी उतना ज़्यादा इसका रेट होगा। तो दोस्तों, तकरीबन 10% का कट ऑफ किया गया है अप्रैल मंथ के अंदर अंदर। तो दोस्तों, इस समय हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से हम अपना रेट बढ़ा सकते हैं, चलिए इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बूस्ट माइनिंग रेट पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले आप अपना पाई का कुछ पोर्शन है उसको लॉक करके आप अपना माइनिंग रेट बढ़ा सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन जो आपके पास है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट करके आप अपना माइनिंग रेट बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों एक तीसरा भी ऑप्शन है, जिनके पास लैपटॉप है, जिनके पास पर्सनल कंप्यूटर है, वो इस फीचर की यूज़ कर सकते हैं, नोड जो फीचर है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है किसी भी ब्लॉकचेन में। ब्लॉकचेन जो रन करते हैं वो नोड से ही रन करते हैं। तो जिनके पास पीसी है वो इसका पूरी तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं, अपना माइनिंग रेट बूस्ट कर सकते हैं। एक ऑप्शन और है, यूटिलिटी बोनस। आप जितना पाई ऐप यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपको पाई मिल सकता है। यूटिलिटी ऐप कैसे काम करता है इसके बारे में भी ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। शायद मेननेट लॉन्च होने के बाद इसके बारे में हमें और इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अभी इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों, आप फर्स्ट ऑफ थिंग, आप आपका जो बेस माइनिंग रेट है इसको बढ़ाने के लिए आपको लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। सेकंड थिंग आप कर सकते हैं, आपका जो पाई है उसको लॉक करके आप आपका माइनिंग रेट बढ़ा सकते हैं। और तीसरा जो थिंग है वो नोड रन करके आप, यानी कि अपने पीसी में या लैपटॉप में ब्लॉकचेन रन करके आप अपना माइनिंग रेट बढ़ा सकते हैं। अप्रैल मंथ में पाई की लगभग 10% के आसपास कटौती हुई है माइनिंग रेट में। तो इसी तरह दोस्तों, हर मंथ अभी हमारा जो माइनिंग रेट है वो कम होता रहेगा, हर मंथ हमें कुछ ना कुछ कटौती देखने को मिलती रहेगी। तो दोस्तों, जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आगे भी आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ पाई के बारे में, मैं रेगुलर वीडियोज़ बनाने वाला हूँ और आपको मैं पाई के विड्रोल तक लेके जाने वाला हूँ। पाई कैसी विड्रोल होगी, किस तरह से विड्रॉल होगी, ये वीडियो सबसे पहले हम अपने चैनल पर डालने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।